दोस्तों 115 के टोटल में ही पानी पानी हो गई टीम इंडिया। शर्म से रोहित शर्मा को दूसरे वनडे में बदलनी पड़ी पूरी की पूरी प्लेइंग 11। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला जीत चुकी है। दो मैचों की पहले टेस्ट सीरीज खेली गई जहां पर टीम इंडिया ने यहां पर दोस्तों 1-0 से सीरीज को जीत लिया। लेकिन फिर दोस्तों बारी आई ओडीआई सीरीज की। ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला 27 जुलाई को खेला गया और पहले मुकाबले में ओडीआई में दोस्तों बारबाडोस में हमने देखा कि किस तरीके से टीम इंडिया 5 विकेट से मैच को जीत गई। टीम इंडिया मुकाबला 5 विकेट से जीतती ही थी कि यहां पर दोस्तों भारतीय टीम को तगड़ा फायदा भी हो गया क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरीके से मुकाबला जीता उसके बाद सब खुश हो गए। पर दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए दिक्कत तब हुई जब 115 रन ही वेस्टइंडीज को बना पाए थे और भारतीय टीम को 5-5 विकेट खोने पड़े उस बनाने के लिए। दरअसल इसके बाद भारतीय प्रशंसक काफी नाखुश हुए क्योंकि टीम इंडिया जो कि इतनी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप के साथ आती है उसको 115 रनों के टोटल में ही हालत खराब करनी पड़ी जो देखकर फैंस काफी नाखुश थे। फैंस को लगने लगा था कि मुकाबला हाथ से निकल जाएगा लेकिन फिर रोहित ने आकर मैच को संभाला क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने यहां पर 97 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद टीम इंडिया में ऐसा लगने लगा था कि एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली और भारतीय टीम के हाथ से मैच फिसलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, टीम इंडिया मुकाबला जीत गई। अब आपकी इस पर क्या राय है, क्या अगले मैच से भारतीय टीम को एक बढ़िया और अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।